आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गाजियाबाद की। खोड़ा नगर पालिका अध्यक्ष वीना भाटी पर तानी गई है पिस्टल। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आपको बता दें समाचार प्लस के पास पूरा मौजूद है सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी में पिस्टल निकालते दिख रहे हैं के भड़ाना। अधिशासी अधिकारी के भड़ाना ने FIR के लिए तहरीर दी। खोड़ा कॉलोनी में विकास कार्यनिधि की फाइलें मांगने पर यह पूरा विवाद हुआ है। तो गाजियाबाद के खोड़ा से खबर सामने आ रही है, पिस्टल निकालते हुए साफ नजर आ रहे हैं के भड़ाना। आपको बता दें सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें साफ नजर आ रहे हैं के भड़ाना अपनी पिस्टल निकालते हुए। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी समाचार प्लस के पास उपलब्ध है। सीसीटीवी में पिस्टल निकालते हुए साफ देखे जा रहे हैं के भड़ाना। आपको बता दें अधिशासी अधिकारी के भड़ाना ने FIR के लिए तहरीर दी थी और खोड़ा कॉलोनी में विकास कार्यनिधि की फाइलें मांगने पर यह पूरा विवाद हुआ है। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और समाचार प्लस के पास फुटेज उपलब्ध है। सीसीटीवी में पिस्टल निकालते साफ देखे जा रहे हैं के भड़ाना। आपको बता दें अधिशासी अधिकारी के भड़ाना ने FIR के लिए तहरीर दी थी और उसके बाद खोड़ा कॉलोनी में विकास कार्यनिधि की फाइलें मांगने पर यह पूरा विवाद हुआ है। गाजियाबाद से खबर सामने आ रही है जहां पर खोड़ा नगर पालिका अध्यक्ष वीना भाटी पर पिस्टल तानने का मामला सामने आ रहा है। यहीं पे थे, उनके साथ उनके और भी सिपाही थे। मैं और प्रभात जी आपस में बैठ के मेरे कक्ष में बात कर रहे थे, तभी योगेश भाटी मेरे कक्ष में घुसा। उसने मेरे से फाइल मांग, कहा कि मुझे फाइल दीजिए। मैंने कहा भाई मैं फाइल ऐसे नहीं दिखाऊंगा। उसके उपरांत भी योगेश भाटी जब नहीं माने तो वो पांच चार पिस्टलधारी लोग उनके साथ में थे जो लोनी के निवासी हैं। मैं उन्हें जानता हूँ, नाम तो नहीं जानता हूँ, तो उन्होंने पिस्टल मेरे ऊपर तान ली, पिस्टल निकाल ली उन्होंने। पिस्टल देखा मैंने तो मैं हड़बड़ाया। मैंने प्रभात जो मेरे चौकी इंचार्ज थे उनसे मैंने कहा, मैंने आप देखिए इन्हें रोकी, इन्होंने बहुत उनको रोकने की चेष्टा की। इतने में और भी लोग आ गए और आके बीच बचाव कर दिया। देखिए अधिकारी से मैंने फाइल मांगी, मैंने छोटे वाले देवर को भेजा, मैं उनकी फाइल लेके आ रहा हूँ। उन्होंने बोला कि मैडम को ही फाइल दूंगा वरना नहीं दूंगा। उसके बाद मैं भी गई हूँ वहाँ पर, बैठा हुआ है कुर्सी पे, और बैठने के बाद मैंने बोला कि फाइल क्यों नहीं दे रहे हो, मुझे देखना है उसमें। तो उसने सीधा ये बोला है कि नहीं देनी। मैंने कहा क्यों नहीं देनी, कि मेरी मर्जी, ये नगर पालिका मेरी है, मैं चलाऊंगी, मैं देखूंगी, जो काम सुबह से शाम तक हुए उसकी रिपोर्ट मुझे चाहिए है? कि नहीं देता, जो तुम पे होता है वो कर लो। उसके बाद में उसने अपनी ग्राज खोली है और वो पिस्टल को निकाल रहा था। दो बार तो वो पिस्टल मैंने देखा कि क्या निकाल रहा है। उसके बाद मैंने उसे हाथ भी पकड़ाया उसका, फिर भी उसने निकालने के बाद में बोला कि यहाँ से बहुत जल्दी करके भाग जाओ नहीं तो सीधी गोली मार दूंगा।